भाई मेरे यहाँ पर परेशान हो रहे थे P2B के ट्रांजेक्शन को लेकर। यार मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बाइनेंस कुकॉइन जितने भी बड़े मेजर एक्सचेंज है ना, जो भारत से जा चुके हैं 2023 Q3 और Q4 के मिड टर्म में जो वापस आते हुए दिखेंगे आपको, और आ जाएंगे ऑपरेशन भी चालू कर देंगे, जैसे PUBG इंडिया में BGMI बन के वापस आया था। भारत सरकार नहीं चाहते कि इंडिया में क्रिप्टो के जरिए फंड आए जिससे और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करे, ठीक है। इन्होंने ऑलरेडी फंड का अरेंजमेंट कर लिया, अभी एक दूसरों की बैंड बजा रहे हैं। जितना फंड यहाँ से जाना था क्रिप्टो के फॉर्म में और लोकल फॉर्म में और करेंसी फॉर्म में जा चुका है करोड़ों अरबों में। मुझे बताने जरूरत है कितने करोड़ हजार करोड़ कौन लेके भागा है, आपको पता ही है ना। तो यहाँ पर घरवाने की बात नहीं है, आपको एक काम करना है, कुछ नहीं करना, 10 बार जो है 8 डायल करना, जस्ट डायल पे कॉल लगेगा, अपने सिटी के लोकल नियर बाय एरिया के वेंडर को बिटकॉइन बायर और सेलर को जो है कनेक्ट करो, वहां पर जाओ, वो खुद आपके घर पे आएंगे, क्रिप्टो सेल और बाय करो, इजिली ट्रांजेक्शन करो, स्मूथली चलो। बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, आप और मैं तो छोटी से होती है बस, चुनाव के बाद सब कुछ सही होता हुआ दिखेगा। अभी चुनाव के वजह से चीजें जो है डगमगाई हुई क्रिप्टो में, खास तौर पे इनको खुद जरूरत है यार, फंड हजारों करोड़ में इनका खुद आता जाता है, तो अभी चलेगा ये सब चीजें। वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, मुझे इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब करो, कॉइन के सजेशन और क्रिप्टो की जो है एनालिसिस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखें अपना, जय हिंद।